क्या है मैम? हेलो, कितना अच्छा है ये। हाँ हेलो, सलाम वाला मनीता बालूदा, अदा कर ला भाई। भाई कोई स्टेप बाय स्टेप बात करना है सुकून से तो कीजिए, वरना नंबर आपका कहिए तो ब्लॉक कर दे भाई। क्या बात करूँ भाई, आप तो लैपटॉप वाले बाबा को मुकल्लिद बन जाते हो कभी आला। नहीं, हम मुकल्लिद नहीं बन रहे हैं भाई। भाई कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको जिस टॉपिक पे बात करना है उसूल से बात कर लीजिए। आपके वाजिबात पे आपने जो बोला है वलीमा वाजिब है, मुझे आप तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा ना वाजिब की तारीफ क्या है। आप क्या समझे वाजिब से? किसकी तारीफ? जो वाजिब है, वाजिब मेरे में क्या है? ये फर्ज, वाजिब, सुन्नत, आप बताओगे ना, आपने ये सब क्या है? आप ये आपने आपका दावा है ना, आप बताओगे ना? हमारा दावा ही नहीं ना, फोन आप करके जबरदस्ती मेरे ऊपर दावा बना के थोप देंगे तो वो दावा थोड़ी ना हो जाएगा भाई। आपको शौक चढ़ा है आवाम को? हमें शौक नहीं चढ़ा है, शौक आपको मेरे भाई चढ़ रहा है लोगों से सबूत मांगने का, तो सबूत हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए ना। सबूत दो आप। हाँ तो स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए ना, ऐसे भागती हुई ट्रेन पे थोड़ी ना भाई आपको बैठने देंगे। जब ट्रेन मेरे भाई रुकेगी तब तो कौन से बैठने? आपने कहाँ फोन थमा दिया? देखिए आप अकेले अगर बोलना चाहते हैं तो कहिए भाई, मैं फोन काट के नंबर आपका ब्लॉक कर देता हूँ, आप आईने के सामने बैठ के आराम से बात कर लीजिए। आईना तो हो आप? नहीं, अच्छा हम आईना है तो ठीक है भाई, आप आईने से बात करते रहिए, हम भी बोलते जा रहे हैं आप भी बोलते जाइए ना, हम आपकी सुने ना आप मेरी सुनिए, आराम से टाइम पास करते रहिए। फिर चलिए बोलिए। हाँ तो भाई मैं ये पूछ रहा हूँ प्यारे भाई, आपने फोन करके हमसे पूछा वलीमा करना क्या है, क्या वाजिब है? तो मैंने कहा वाजिब है। आपने पूछा क्या सबूत है? तो मैंने कहा कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शादी के बाद वलीमा करो ख्वा एक बकरी क्यों ना हो। तो अल्लाह के नबी इसकी अहमियत बता रहे हैं ना, तो ये जो फिक होता है फिक की इस्तिलाह में टर्म है भाई, आप भाई समझान है तो आप समझ नहीं रहे हो। पहले मेरा जवाब सुनो फिर हम आपसे सुनेंगे ना। कयास कयास नहीं, कयास नहीं कर रहे हैं ये हर चीज। आपको कयास की तारीफ भी नहीं मालूम होगी? क्या पता आपको कयास की तारीफ, आप बता दीजिए, हमें तो पता नहीं, हमने तो आपको फोन किया पूछने के लिए। तो पूछने के लिए फोन किया तो जवाब सुनिए ना, आप इतना हीरो क्यों बन रहे हैं? कयास को मानते हैं क्या? बिल्कुल, कयास को जो ना माने मेरे भाई तो इस्लाम पे अमल कैसे कर पाएगा? लेकिन हम शैतानी कयास को नहीं मानते। फिर तो आप मुकल्लिद हुए। हम शरई कयास को मानते हैं। फिर आप मुकल्लिद हुए ना, कयास को मानते हैं तो। अच्छा मुकल्लिद की तारीफ बताइए। मुकल्लिद की तारीफ आप हमें बताएंगे, हमने आपको फोन किया ना। के बंदे मतलब सब कुछ हम ही बता देंगे, हम ही सीख के हम ही से होशियारी करना चाह रहे हो क्या? ये बताओ आप पहले हदीस है, मतलब जो कुछ हम पूछ रहे हैं वो आप बताइए, जो कुछ हम पूछ रहे हैं वो आप बताइए। जब आपको कुछ आता जाता है नहीं, आप जाहिल हैं तो मेरे भाई सामने वाले की सुनिए ना। हम जाहिल हैं आलिम है, आपको इल्म गैब हो गया? अच्छा आप आलिम है तो भाई आप सिखा दीजिए फिर, और कैसे की क्या बात है? हम तो आपको सिखाने के लिए फोन किया ना, वाजिब तो बताइए ना मेरे भाई कि जो कयास होता है, कयास की तारीफ क्या होती है, कौन से कयास को मानने से इंसान मुकल्लिद हो जाता है? सुनिए मेरी बात सुनिए, कयास करना आपके नजदीक तो शिर्क है। ये किस हराम के बच्चे ने कहा जरा एक हवाला दीजिए। आपने बताया कयास करने का मतलब तो मुकल्लिद हो गए ना, मुकल्लिद करने वाला। किस हराम के बच्चे ने कहा है उसका सबूत तो पेश कीजिए। आप ही कहते हो ना तकलीद करना शिर्क है। हाँ तो तकलीद करना ना, कयास करना थोड़ी ना। कर रहे हो कयास, किसका कर रहे हो आप? अरे कयास और जो मेरे भाई तकलीद है दोनों अलग अलग है ना, दोनों को मेरे भाई। अच्छा अभी कल को कह दो रात दिन दोनों एक ही हैं, औरत मर्द दोनों एक ही हैं, सफेद काला दोनों एक ही है, तो ये आपकी अकल का पैमाना है ना। आपके पास कोई दलील के लिए हदीस और कुरान की आयत? अरे भाई मेरे पास सब है, लेकिन आप उसके लिए सुनोगे तब ना, जब आप अकेले बोलते रहोगे सवालों के पूरा पिटारा खोल के बैठ जाओगे तो कहाँ तक क्या करते रहेंगे? सुनाइए भाई जरा, हम भी सुने आपकी। भाई आपने पूछा वलीमा करना क्या वाजिब है, मैंने कहा हाँ वाजिब है। अब आप पूछ रहे हैं कि वाजिब कैसे है, तो ये जो वाजिब है जो फिक होता है, फिक की तारीफ होती है दीन की गहरी समझ, ठीक है? अच्छा तो अच्छा। दीन की गहरी समझ जो होती है, जो हमारे फुका थे उल्मा थे उन्होंने जो अमल थे उनके जो भाई वो इस्तिलाह होती है टर्म होती है उसको अलग अलग भाई को नाम दे दिया। दो मिनट आपको रोक रहा हूँ, आपके फोका नहीं, हम रुकेंगे नहीं भाई, मेरा जवाब इससे पूरा होगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। उल्मा और आपके किसी का बाप भी हमको नहीं रोक सकता भाई, आपका आला हजरत भी अगर कब्र से उठ के आ जाएगा वो भी रोक नहीं सकता। आला हजरत अगर कब्र से बाहर भी आ जाएगा सोडे की बोतल मांगने के लिए तो भी हमको नहीं रोक पाएगा। मेरा जवाब जब तक पूरा होगा नहीं मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने नो चांस। अरे भाई अपने ओका भाई ये कोई बात नहीं होती है यार भाई, आप ये उलमा का कॉल भाई ये ना इंसाफी आप कर रहे हैं।
आप सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी नहीं देने दे रहे हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि जैसे जवाब मैं दे दूंगा मुंह काला हो जाएगा आपका, है ना? आपको डर क्यों है मुंह काला करवाने से अपना? माना पहले साहब मेरे भाई आपकी शक्ल पे मेरे भाई फिटकार बरस रही है, लेकिन चलिए थोड़ा सा और मुंह काला हो जाएगा, क्या दिक्कत है? मैं क्या कह रहा हूँ, ऑडियो जाए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरे को इनमें गैप नहीं है भैया। इनमें गैप तो आपकी पीर बाबाओं को होता है, जो बता देते हैं कि अम्मा के पेट में कौन सा बच्चा पल रहा है, कितने पारे उसको याद है, ये सब तो आपके बाबा लोग बता देते हैं ना। कुरान हदीस से दलील दीजिए। अरे कुरान हदीस आपकी हुज्जत नहीं है भाई। आपके जाल हक उसके हिस्सा नंबर 2 और सफा नंबर 437 उतरा हुआ है कि जो मुकल्लिद होता है उसके लिए इमाम का कौन हुज्जत है? आप कहाँ कुरान हदीस मांग रहे हो? होश में हो कि नहीं मेरे भाई? दारू और अरबी ने फोन नहीं किया कुछ है या नहीं है भाई? शराब पी के फोन कर रहे हैं क्या? लाहौल वाला कुवत इल्ला बिल्लाह। कुछ सुखाया नहीं क्या आपको? इतना शराब ना पिया कीजिए कि आप मेरे भाई अपना आपा खो दे। मतलब जो मुकल्लिद है वो माजल्ला कुरान हदीस मांगने लगा, अपने इमाम की दुबूर पे लात मार दिया? कितनी शर्म की बात है, मतलब अपने इमाम की दुबूर पे आपने लात मार दिया, ये कितनी शर्म की बात है भाई? इमाम का कॉल आप पूछिए, आप कुरान हदीस आप कहाँ समझ लेंगे डायरेक्ट? आप तो मुकल्लिद चाहिए ना। अरे मेरे भाई, चलिए भाई जवाब दो या मैं फोन काट के नंबर आपका ब्लॉक करूँ? नहीं, आप मुझे कुरान हदीस से दलील दीजिए। मैं तो कुरान हदीस आपके लिए हुज्जत है ये तो साबित करना पड़ेगा ना। आपके उलमा आपके लिए हुज्जत है पहले ये बताइए। नहीं, मेरे उलमा तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हुज्जत है। हुज्जत है ना तो उलमा अम्बिया के वारिस हैं, जो उलमा है अल्लाह और अल्लाह की नबी की बात हमको बताएंगे वो हमारे लिए हुज्जत है। जो अपने बाप दादाओं का दीन बताएंगे उनकी बात उनके मुंह पे मार। मतलब आप अपने उलमा के मुकल्लिद हैं? मुकल्लिद हर जगह नहीं हो जाता, मुकल्लिद होता है क्या? चलिए आज मैं आपको सिखा देता हूँ, आपके आलिमों ने भी आपको नहीं बताया होगा, ठीक है? अच्छा अच्छा। जो भी सिखा, जो तकलीद है, तकलीद की तारीफ होती है किसी भी गैर नबी की बात को बिना उसके दलील के जाने मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। वही तो आपसे कह रहा हूँ ना। देखिए आप तो मेरे को बोलने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं अक्कू खान बोलेगा तो मेरा मुंह काला हो जाएगा। आप पहले से मेरे भी काले और मुंह काला हो जाएगा। बोलने दूंगा जब आप कुरान और हदीस पे। नहीं, आपका आला हजरत भी कब्र से उठ के बाहर आ जाएगा सोडे की बोतल मांगने, वो भी हमको रोक नहीं पाएगा, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। मैं एक बार मेरे भाई बोलना स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता, तो आपकी क्या हैसियत है भैया? मेरा जब तक जवाब पूरा होगा नहीं मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा। कोई क्यों पूछे तेरी बात, डॉगी हजार फिरते हैं तो आपके जैसे डॉगी हजार भोगते हैं, और मैं कुत्ते के दुम पे एक बार पाँव अपना रख देता हूँ तो उसको हिलने नहीं देता हूँ। हंसो हंसो, आपके उलमा की बात मानोगे ना, वो लिखते हैं कुत्ते से भी कमतर। क्या मतलब आईने के सामने बात कर रहे हो? तुम्हारी बात कुछ मेरे भाई हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। कभी तुम मेरे भाई मेंढक की तरह कभी उलमा पे कूद जाते हो, कभी मुकल्लिद पे कूद जाते हो, कभी कुरान हदीस पे कूद जाते हो। तुम्हें असल में तुम खुद कंफ्यूज हो कि तुम्हें पूछना क्या है, समझना क्या है, जानना क्या है? मेरे लाल कुरान हदीस। देखिए, लाल ने तो आपको काला कर दिया, और इतना काला कर दिया कि आपकी रात काली हो जाएगी आज। आप परेशान न होइए, जब आपकी ऑडियो अपलोड होगी तो आप ही के बरेलवी लोग सुन के आपके मुंह पे थूकेंगे कि कैसा बरेलवी है यार, सवाल करता जवाब भी नहीं भाई को देने देता, कहता है जवाब तो देने दीजिए भाई। ये कौन सी आप लोग की बगड़ती वाली आदत है? क्या आपके माँ बाप ने तालीम आपको नहीं दी है क्या? हदीस और कुरान से नहीं, ये तो वही बात हो गई कि मैं आपके किसी बरेलवी अल्लामा को पकड़ के पूछूं, बस उससे सवाल कर लूं और उसको जवाब भी ना भाई उसको देने दो, और बस एक ही रात बात बस मैं उससे बोलता रहूं दलील दो दलील दो दलील दो। अरे भाई, जब बोलने का मौका देंगे तभी तो सामने वाला देगा दलील। बिल्कुल ठीक दिया, टट्टी खोर हो। हाँ तो चाट लो ना, तुम लोग की तो आदत है टट्टी खाने की। तुम लोग का बच चले तो टट्टी सामने रख के फातिया देके खा लो। अच्छा भाई, एक चीज बताइए, जो जो बरेलवी लोग मतलब जो हगते हैं उसके ऊपर फातिया देके खाते हैं कि नहीं? अच्छा, इसीलिए उनको लोग मेरे भाई टट्टी खोर उनको दिखते हैं। अच्छा, ये मामला है, ये मसला है। बरेलवी खुद ही हगता है और अपनी हगाज के ऊपर फातिया देके खा लेता है, ये मामला है। टट्टी खोर तो बरेलवी साबित हो गए। वो कौन टेबल पे खा रहा था वो भाई समझ में आ गया। अच्छा, टेबल के ऊपर रख के खाते हैं टट्टी? माजल्ला, मतलब पहले मेरे भाई हगते हैं, उसके बाद उस पर अगरबत्ती लगा के फातिया दे के टेबल पे रख के आपके मौलवी खा लेते हैं। चलिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं। भाई आपको जिस टॉपिक पे आपकी अम्मा ने दूध पिलाया है, आप कभी एक टॉपिक पे टिक के बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत हो गई है बड़बड़ाने की। और जो बब्बत की दुकान होता है ना, वो कभी एक टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकता है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, वलीमे का टॉपिक आपने छेड़ा था, उसके बाद करना हो तो उस पर कर लो,
तकलीफ पे बात करना उस पे बात कर लो, उल्मा पे बात करना है उल्मा पे बात कर लो, तुम्हें जिस टॉपिक पे बात करना है उस पे बात करो ना, लेकिन उसूल इल्म तहजीब के दायरे में करो। ये बदकलामी करके बात करना है तो फायदा नहीं है उससे कुछ। बदतमीज किसने की शुरुआत? भाई शुरुआत तो आपने की ना, जब मैं जवाब दे रहा था तो आपने बीच में क्यों टोका? आप उल्मा आपके लिए आप सवाल कर रहे थे, मैंने तो सवाल आपका मेरे भाई खामोशी से एकदम सुना, और जैसे मैंने जवाब देने लगा नहीं, दो मिनट रुको यार, ये कौन सी बात होती है? का कॉल हुज्जत है? अरे हम सब बताएंगे ना, लेकिन मेरे को बोलने का मौका मिलेगा तब बताएंगे ना, जब अकेले भोगते रहोगे तो मैं कहाँ से बोलूँगा? कुरान और हदीस से दलील दीजिए कि नबी ने फरमाया हो कि वलीमा। अरे कुरान हदीस ही पेश करेंगे, तुम्हारी तरह तुम्हारे बाप दादाओं का कॉल थोड़ी ना पेश करेंगे, जाहिल लग गया तुम्हारी तरह। चलो पेश करो ना भाई, पेश। हाँ तो वलीमे के ऊपर मैं पेश कर रहा हूँ दलील, बुखारी शरीफ की हदीस है। हाँ पेश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह के बाद वलीमा करो, ख्वाह एक बकरी क्यों ना हो। और अल्लाह के नबी ने खुद अपना वलीमा जो किया था, एक वलीमा तो ऐसा किया था कि आपके पास खाने के लिए भाई कुछ भी नहीं था, तो सहाबा से कहा कि अपना अपना खाना उठा के ले आओ, जमा करो, और सब ने बैठ के एक साथ खा लिया। और अल्लाह के नबी ने ये ऐलान किया कि ये जो तुम लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया है, यही मेरा वलीमा है। तो वलीमा अल्लाह के नबी ने खुद किया है, इसलिए सुन्नत है। और लोगों को करने के लिए कहा कि ख्वाह एक बकरी क्यों ना हो वलीमा करो, इसलिए ये फिक की इस्तलाह में वाजिब है। तो ये जो इस्तलाहत हैं, पहले उसको समझ लो ये होती क्या है, क्योंकि तुम्हारे आदमी आलिम लोग को समझाते तो है नहीं, तुम लोग को फर्ज और वाजिब के जाल में उलझाए रहते हैं। यही तो पूछ रहे हैं ना, अब तुमको सिखाना पड़ेगा कि फर्ज क्या होता है, वाजिब क्या होता है, सुन्नत क्या होता है, नफिल क्या होता है, सब तुमको बता रहे हैं। वाजिब कुरान से साबित होता है, फर्ज कुरान। वाजिब कुरान से साबित होता है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिललल अली अजीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान तो झूठ बोल दिया। फर्ज साबित होता है मेरे भाई। भैया कुरान हदीस की इस्तलाह में फर्ज और वाजिब दोनों एक ही हैं। ये तो फिका हनफी की भाई जो इस्तलाह है उसमें फर्ज अलग होता है, वाजिब अलग होता है। बुखारी शरीफ की तुमने जो कड़ी है, जो हनफी मुकल्लिद हैं उनके नजदीक फर्ज अलग होता है, वाजिब अलग होता है, लेकिन कुरान हदीस की इस्तलाह में फर्ज और वाजिब दोनों एक ही इस्तलाह है। यही तो तुमको समझना पड़ेगा। जब तक तुम इस्तलाहात नहीं समझोगे, जो टर्म होती है वो नहीं जानोगे, तब तक तुम कैसे फैसला करोगे क्या सही है क्या गलत है? मुझे मत बताओ कि तुम कितना। हाँ तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम जाहिल हो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे जो झोला छाप उल्मा है वो झूठ बोल देते हैं कि गौसे आजम ने अपनी माँ के पेट में 18 पारे याद कर लिए थे, वो आग बन करके मान लोगे। लेकिन कोई इंसान तुमको प्यार मोहब्बत से दलील से बताएगा तो वो तुम्हारी हालत के नीचे नहीं उतरेगा। फिर वलियों का तलवा चाट में भाग रहे हो, फिर वलियों की चौकी। वलियों का तलवा तो हम चाटते ही है भाई, अल्लाह के वली हैं, हमारे सहाबा इकराम हमारे अल्लाह के वली हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अल्लाह के वली हैं, उनके तलवे भी चाटने को तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, भालू बाबा, फला बाबा, ढम्बक बाबा, इनके तलवे नहीं जाटते। पता नहीं कौन कौन से बाबा बना रखे, और एक तो मार्केट में इनका बाबा आ गया है भाई, वो हथौड़ी शाह बाबा। ये बताओ जो ये जो हथौड़ी शाह बाबा है, ये क्या हथौड़ी तुम्हारे सर पे मार दिया था इसलिए कमजोर हो गए हो? अबे लंगड़े को खाना खिला रहा था, तू तेरे बाप ने खिलाया, तूने कभी ऐसे बाप को? चलो भाई बदकलामी कर लो, क्या बदतमीजी का जवाब दे। अब तुम्हारा लैपटॉप बाबा के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है, उसका तोंद हाथी की तरह बाहर आ गया, तो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से क्या लेने देना। भाई फारूक खान लैपटॉप बाबा वो एकदम हफ्सियों की तरह खाना खाता है, फूस फूस के खाना खाता है, उसका पेट ऐसा बाहर आ गया है, तोंद उसका ऐसा बाहर आ गया है, लगता है 6 महीने का बच्चा पल रहा है। तो अपने जो उल्लू माँ है उनको तो कभी नहीं कहोगे लंगड़ा लूला मोटा भैसा, ठीक है? तुम्हारा वो अल्लामा अहमद नक्शबंदी टीटीएस ऐसा गोल गोल काला मोटा सा है जैसे लगता है काली भैंस, तो उसको तो काली भैंस कभी नहीं कहोगे। तुम्हारा वो हाशमी मियां वो लंगड़ा वो छड़ी लेके चलता है स्टेज के ऊपर, उसके पैरों में ताकत नहीं है, अगर कुत्ता दौड़ा ले तो वो भाग ना पाए, उसको लंगड़ा नहीं कहोगे। लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन कासमी जिनके अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पैर बिल्कुल सही हैं, उनको पता नहीं जबरदस्ती लंगड़ा लूला बनाए पड़े हो। कासमी साहब ने जिस दिन तुम्हारी मेरे भाई दोनों पे एक लात मार दी ना, समझ में आ जाएगा कि वो मेरे भाई माजल्ला पाई है कि नहीं है, ठीक है?
तो भौंकना बहुत आसान होता है। जाओ अपने पारुखान लैपटॉप बाबा के पेट का अल्ट्रासाउंड करो और मुझे उसको भेजो। मुझे पक्का ये शक है कि उसके पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। उसने हराम इतनी बिरयानी खाई है कि उसका पेट एकदम सांड की तरह बाहर आ गया है। जैसे मेरे भाई औरतें नहीं होती हैं जो जो पेट से हो जाती हैं, उसका पेट देख के ऐसा लगता है उसका 9 महीना 1-2 साल में हो जाएगा। क्यों इतनी हराम की खाता है तुम्हारा लैपटॉप बाबा? नहीं मतलब जहाँ जाता है इतनी ठूस के बिरयानी खा लेता है कि स्टेज पे बैठता है तो एकदम सांड एकदम लगता है। लाहौल वाला कुवत इल्ला बिल्लाह, बताओ आवाम का हलाल का माल लोगों को गालियाँ देके हराम तरीके से खाता है। और मेरे को तो सुनने में आया है कि फारूक खान लैपटॉप बाबा के दो दो बाप है, क्या ये बात सही है भाई? अरे भाई बताइए ना। ऐसे उल्टे सीधे नहीं भाई, आप जो कह रहे हैं जलालुद्दीन कासमी साहब को लंगड़ा लूला माजल्ला, तो मेरे पास तो पक्का सबूत है कि फारूक खान लैपटॉप बाबा भाई वो जमीन है, उसकी असल में खता है। फारूक खान लैपटॉप बाबा के दो दो बाप है, एक उसके फूफा है जिन्होंने बाप बन के उसको पाला और एक उसके सगे बाप है जिन्होंने पैदा करके छोड़ दिया। तो फारूक खान लैपटॉप बाबा के दो दो बाप है और जिन्होंने उसको पाला वाले बाप का नाम है जो फूफा है इनके, उनका नाम है वो क्या बोलते हैं गुलाब खान कपड़े वाले। तो ये गुलाब खान कपड़े वाले इन्होंने पाला है, ये इनके पालने वाले बाप हो गए और एक सगे बाप ने उनको पैदा किया है। यानी कि जिसके दो बाप होते हैं यानी कि उसको ही तो कहते हैं हराम की औलाद। हाँ तो सूरह कलम की आयत नंबर 14 जो जनीम है वो तो लैपटॉप बाबा साबित हो गया, लैपटॉप बाबा के दो बाप काश है बेटा वो। हाँ मेरे भाई आए थे अहले सुन्नत अहले हदीस के आलिमों पे तोहमत बातें और अपने ही मेरे भाई झोला चाप अल्लामा को दो बाप का साबित करवा दिया तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिठा के टेबल पे खाना खिलाया तो आज के बाद अगर हमारे आलिमी टीम को कुछ भी कहा ना वो भी बिना मेरे भाई दलील के सबूत के, तो हम दलील के साथ तुम्हारे लैपटॉप बाबा को दो बाप का साबित कर देंगे उसकी जुबान से, क्योंकि उसने खुद कहा है, ऑडियो रखी हुई है मेरे पास, उसने खुद कहा है कि मुझे मेरे एक बाप ने पैदा किया और जो मेरे फूफा हैं उन्होंने वालिद की तरह मुझे पाला। यानी कि जिसके दो बाप होते हैं मार्केट में उसी को तो लोग कहते हैं हराम की औलाद। तो फारूक खान लैपटॉप बाबा के दो दो बाप हैं, असल में खता हो गई उसकी, शर्म आनी चाहिए भाई। जिसके खुद के दो बाप हो वो दूसरों को लंगड़ा लूला कह रहा है। चल मेरा फोन